सो आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, इसके जो टाइप्स हैं उनके अपन बात कर लेंगे। तो देखिए वीडियो काफी यूजफुल भी रहने वाली है, थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिए ताकि आपको कार्बोहाइड्रेट्स से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो सके। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो चलिए अब आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, एक बायोमोलिक्यूल होता है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, एक बायोमोलिक्यूल होता है, और ये किससे बनके किससे मिलके बना होता है, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मतलब CHO से मिलके बना होता है। नाम से ही पता चल रहा है कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बन के क्या होंगे, इसमें हाइड्रेट्स होंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स किससे मिलके बना होता है, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखने वाली चीज है। अब बात कर लेते हैं, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट्स के नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये एनर्जी का सबसे सिंपल सोर्स होता है। मतलब एनर्जी का सबसे सिंपल सोर्स कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का सबसे सिंपल सोर्स होता है। इसके जनरल फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला आ जाता है CN होल ट्वाइस ब्रेकिट आ गया H2O फिर ब्रेकिट बंद N। ये क्या आ गया यहाँ पे, जो N है ना ये यहाँ पे क्या है, नंबर्स रहेंगे, ये N क्या है यहाँ पे, नंबर्स रहेंगे। ये क्या है आपका, इसका कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है। फॉर्मूले को आगे डिटेल से देखेंगे, लेकिन याद रखना ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना इसके अंदर जो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशियो होता है ना वो रहता है 2:1 का। क्या रहता है, हाइड्रोजन का और जो ऑक्सीजन का रेशियो है वो इसमें 2:1 रहता है। अब देखिए जरूरी नहीं है कि सभी कार्बोहाइड्रेट्स होंगे उनके अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो है वो जरूरी नहीं है कि 2:1 ही हो, बिकॉज कुछ क्या होती हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या होते हैं, नाइट्रोजन एंड सल्फर भी पाई जाती है, मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन उनमें देखने को भी नहीं मिले, या नाइट्रोजन और सल्फर पाई जाएगी तो क्या होगा, उनका रेशियो 2:1 नहीं होगा। ये तो पहले कुछ साइंटिस्ट थे उन्होंने बता दी, इसके बाद में एक न्यू थ्योरी दी गई, न्यू डेफिनेशन दी गई, उसके अंदर बताया गया कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इस प्रकार के पदार्थ होते हैं जिसके अंदर दो या मतलब कम से कम दो या इससे ज्यादा क्या हो, OH ग्रुप होने चाहिए, मतलब दो या दो से अधिक क्या होने चाहिए, OH ग्रुप होने चाहिए। इसके अलावा क्या होना चाहिए, जो कार्बोनिल समूह होते हैं ना जैसे एल्डिहाइड हो गया, कीटोन होगा, इनके प्रेजेंस होने चाहिए, तो वो क्या होंगे आपके कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। तो पहले तो क्या थी कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है ना वो 2:1 होना चाहिए, लेकिन फिर पता चला कि जरूरी नहीं है कि हर कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 2, क्योंकि इसके अंदर क्या हो सकता है, नाइट्रोजन और सल्फर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इसलिए फिर नई डेफिनेशन दी गई कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स होंगे इसके अंदर जिसके अंदर कम से कम OH ग्रुप एंड जो कार्बोनिल समूह होगा ना जैसे एल्डिहाइड हो गया, कीटोन्स हो गए, ये पाए जाएंगे तो वो क्या होगा आपका, कार्बोहाइड्रेट होगा। तो चलिए इसका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो क्लासिफिकेशन है इसको मेनली तीन टाइप से बांटा गया है। तीन टाइप कौन कौन से आ गए, मोनोसेकेराइड आ गया, ओलिगोसेकेराइड आ गया एंड पॉलीसेकेराइड आ गया। वन बाय वन सबको डिस्कस कर लेते हैं। तो बात आ जाती है मोनोसेकेराइड की, तो नाम से ही पता चल रहा है मोनोसेकेराइड, मोनो मतलब एक, सेकेराइड मतलब सुगर, इसमें एक क्या होगी, सुगर की चेन होगी, मतलब सुगर की क्या होगी, एक श्रृंखला होगी। मोनोसेकेराइड सबसे सिंपल टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है, याद रखिए मोनोसेकेराइड क्या होता है, सबसे सिंपल टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। इसके छोटे अणुओं में क्या होता है, जल अपघटन नहीं पाया जाता, मतलब जो मोनोसेकेराइड्स होंगे इनके अंदर हाइड्रोलाइसिस अब्सेंट रहता है, हाइड्रोलाइसिस इनके अंदर नहीं रहता है, क्योंकि ये सबसे छोटी चेन होती है, इसके अंदर हाइड्रोलाइसिस होना पॉसिबली नहीं होता है। तो अब याद रखना, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो जितने भी मोनोसेकेराइड्स होते हैं उनमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, जो क्रियात्मक समूह होता है, उसकी प्रेजेंस के बेसिस के ऊपर क्या होता है, एल्डोस एंड जो कीटोज होती है ना वो टाइप्स की होती है, मतलब क्या होती है उनके फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस के बेसिस, मतलब जो भी आपके मोनोसेकेराइड्स होंगे उनमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा ना उसकी प्रेजेंस क्या होगी, एल्डोस एंड कीटोन टाइप की होगी। इसको एग्जांपल द्वारा अपन समझते हैं कि कैसे आपको पता चलेगा कि एल्डोस भी प्रेजेंट होगा, कीटोज भी, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे आपका, मोनोसेकेराइड बनाएंगे। तो जैसे कि अपन बात करते हैं कि क्या क्या, मतलब जो एल्डोस और कीटोस होते हैं ना दोनों के दोनों मोनोसेकेराइड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मतलब ऑल टाइप की जो मोनोसेकेराइड होगी उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होगी ना उसकी प्रेजेंस के आधार पे क्या होगा, एल्डोस एंड कीटोस टाइप की होती है। जैसे कि कार्बन की संख्या के आधार पर मोनोसेकेराइड्स को कुछ टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया, क्लासीफाई किया गया, तो उनको अपन देखते हैं वो क्लासीफाई कौन कौन से आ जाते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है आपका ट्रायोस। तो देखिए ट्रायोस के फॉर्मूले की अपन बात करें तो इसका फॉर्मूला आ जाता है C3H6O3।
ट्रायोस नाम से ही पता चल रहा है इसमें कार्बन कितने होंगे, 3 होंगे ट्रायोस, फॉर्मूला आ गया C3H6O3, इसका फॉर्मूला आ गया। अब इसके एग्जाम्पल के अपन बात करें तो एग्जाम्पल में आ गया आपका ग्लिसर एल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, क्या आ गया, ग्लिसर एल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन इसके अंदर आ गया। तो इसमें जो ग्लिसर एल्डिहाइड है ना, ये तो क्या है, एल्डोल सुगर है, एल्डोल सकराए हैं, जबकि जो जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है ये क्या है आपकी कीटोज सुगर है। नेक्स्ट अपन पॉइंट की बात करें तो आ जाता है टेट्रोज, नेक्स्ट टाइप क्या आ जाता है टेट्रोज। टेट्रोज के अंदर नाम से ही पता चल रहा है इसके अंदर कितने होंगे, 4 कार्बन प्रेजेंट होंगे। फॉर्मूला आ जाता है C4H8O4, इसका फॉर्मूला आ जाता है। एग्जांपल की बात करें तो थ्रियोज आ गया, इरिथ्रोलोज आ गया। तो जो थ्रियोज है ना, ये थ्रियोज तो क्या है, इसमें एल्डोज सुगर प्रेजेंट होगी और कीटोज होगी ना, इसमें इरिथ्रोलोज क्या होगी, प्रेजेंट रहेगी। जब आप इनकी डिटेल के अंदर स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो उसके अंदर आपको थ्रियोज के अंदर तो एल्डोज सुगर देखने को मिलेगी और जो इरिथ्रोलोज है ना, इसके अंदर आपको कीटोज सुगर है वो देखने को मिल जाएगी। अगले टाइप की बात करें तो आ जाता है पेंटोज। पेंटोज के अंदर क्या हो, नाम से पता चल रहा है इसमें 5 कार्बन की श्रृंखला होगी। फॉर्मूले की बात करें तो क्या आ जाता है, C5H10O5, क्या आ जाता है इसका फॉर्मूला आ जाता है। एग्जांपल की बात करें तो राइबोज आ गया, जाइलुलोज आ गया। तो जो राइबोज है ना, ये तो क्या है, एल्डोज सक्रा है, और जो कीटोज है ना, इसके अंदर क्या आ जाता है, जाइलुलोज, मतलब जो राइबोज है ये तो आपकी एल्डोज सक्रा है और जाइलुलोज है ना, ये आपकी कौन सी है, कीटोज सुगर है, सर्करा है। अगले टाइप की बात करें तो आ जाता है हेक्सोज। तो हेक्सोज के अंदर क्या होता है, नाम से पता चल रहा है इसमें 6 कार्बन प्रेजेंट रहेंगे। फॉर्मूला आ जाता है C6H12O6, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इसके एग्जांपल आ जाते हैं। अब जो ग्लूकोज है इसके अंदर तो एल्डोज सुगर आपको देखने को मिलेगी, फ्रक्टोज के अंदर आपको कीटोज सुगर है वो देखने को मिल जाएगी। पांचवें पॉइंट की बात करें, अगले टाइप की बात करें तो आ जाता है हेप्टोज। नाम से ही पता चल रहा है हेप्टोज, इसके अंदर 7 कार्बन आपके प्रेजेंट रहने वाले हैं। फॉर्मूला आ जाता है C7H14O7, इसका फॉर्मूला हो जाता है। और एग्जाम्पल की बात करें तो ग्लूकोहेप्टोज एंड सुडोहेप्टुलोज, ये क्या आ जाते हैं, इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं। तो इसमें जो ग्लूकोहेप्टोज है ना, ये तो इसमें तो आपकी एल्डोज सुगर प्रेजेंट रहेगी, और जो सुडोहेप्टुलोज है इसके अंदर आपकी कीटोज सुगर होगी वो प्रेजेंट रहने वाली है। तो ये तो अपन ने बात कर ली किसकी, मोनोसेकेराइड्स की। अब देखिए जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं ना, अब मोनोसेकेराइड्स तो अपन ने कंप्लीट कर लिया, इसके बाद में आ जाता है आपका ओलिगोसेकेराइड। तो ओलिगोसेकेराइड के अंदर यदि बात करें तो ओलिगो का मतलब होता है फ्यू से, और सेकेराइड का मतलब आ जाता है सुगर, मतलब इसके अंदर कुछ, मतलब जो आपका मोनोसेकेराइड था उसके अंदर कम से कम क्या होती है, एक ही क्या होती है, सुगर की चेन होती है। लेकिन इसमें क्या होगी, एक से ज्यादा क्या होगी, सुगर की चेन होगी, मतलब फ्यू सुगर की इसमें क्या होगी, आपको चेन देखने को मिल जाएगी। इसका जो मेडअप होता है ये किसकी बनी रहती है, इसका फॉर्मेशन होता है वो 2 से लेके 10 का मोनोसेकेराइड्स के द्वारा होता है। मतलब मोनोसेकेराइड्स की जब 2 से 10 तक की जो श्रृंखला बन जाएगी उसको बोलेंगे अपन ओलिगोसेकेराइड्स। तो देखिए कुछ ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं ना, वो नेचर के अंदर क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते। मतलब जो कुछ ओलिगोसेकेराइड्स होंगे वो स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, नेचर के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। बट जब पॉलीसेकेराइड्स होते हैं उनका जब अपन हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, ओलिगोसेकेराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो मतलब इसका कहने का मतलब है कि ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं ना, कुछ ओलिगोसेकेराइड्स जो प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर फ्रीली प्रेजेंट नहीं रहते हैं, फ्रीली प्रेजेंट नहीं रहते हैं तो भैया मिलेंगे कहाँ से। तो क्या होता है, जब पॉलीसेकेराइड्स होता है, पॉलीसेकेराइड्स का जब जल अपघटन होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है, तब आपको ओलिगोसेकेराइड मिल जाएगा, मतलब ओलिगोसेकेराइड्स का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो इसमें क्या होता है, मोनोसेकेराइड्स की संख्या के आधार पर इसको आगे और क्लासीफाई किया गया कुछ पॉइंट्स के अंदर, जैसे डाइसेकेराइड्स आ गया, टेट्रासेकेराइड्स आ गया, पेंटासेकेराइड्स आ गया। इसके अंदर इंपॉर्टेंट एक ही आपको पढ़ने वाली चीज है, वो आ जाता है डाइसेकेराइड्स। तो जो डाइसेकेराइड्स होते हैं ना, ये वाटर के अंदर सोलेबल सुगर रहती है। ये क्या है, वाटर सोलेबल सुगर है। और ये किससे बन की होती है, नाम से पता चल रहा है डाइसेकेराइड, मतलब दो जो मोनोसेकेराइड्स होंगे उनके मिलने पर क्या बनती है, डाइसेकेराइड आपकी बन जाएगी। जैसे एग्जांपल की बात करें तो देखिए ग्लूकोज एंड ग्लूकोज बन के क्या बनाने हैं, माल्टोज बना रहे। मतलब क्या हो गया, ग्लूकोज और ग्लूकोज दोनों मिले और दोनों के मिलते ही क्या बन गई आपकी, डाइसेकेराइड आ गई, जिसको अपन माल्टोज बोल देंगे। फिर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिलेंगे तो सुक्रोज का बना देंगे, और जो ग्लूकोज एंड लैक्टोज मिलेंगे तो ये लैक्टोज के अंदर क्या बन जाएगा, लैक्टोज बन जाएगा। डाइसेकेराइड क्या होंगे, मतलब दो मोनोसेकेराइड मिलके क्या बना रही है, डाइसेकेराइड बना रही है। ठीक ऐसे ही ट्राइसेकेराइड होता है, टेट्रासेकेराइड होता है,
हैं, पेंटासेकेराइड होता है, लेकिन इनको इतना जरूरी नहीं है इनको पढ़ना। अपन ने मेनली क्या देखा है, डाइसेकेराइड के बारे में देख लिया है। आगे अपन बात कर लेते हैं, अपना तीसरा पॉइंट आ जाता है पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड की बात करें, नाम से ही पता चल रहा है पॉली। पॉली मतलब क्या होता है, एक से, मतलब बहुत ज्यादा। पॉली मतलब बहुत ज्यादा, मैंने से हो जाता है। सेकेराइड का मतलब किससे हो जाता है, सुगर से हो जाता है। तो जो पॉलीसेकेराइड्स होता है ना, ये एक कॉम्प्लेक्स हाइड्रो, जो आपका मतलब कार्बोहाइड्रेट है, मतलब जो पॉलीसेकेराइड है ये आपका क्या है, एक जटिल टाइप का क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। ये किससे मिलके बना होता है, ये मोर देन 10, मतलब 10 से ज्यादा जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं उनके मिलने पे क्या बनता है, आपका पॉलीसेकेराइड मिलता है। अब देखिए, अपन ने बात की थी मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड क्या होता है, जब एक ही क्या होता है, एक जो सुक्रोज श्रृंखला होती है वो मिलके क्या बना देती है, आपका मोनोसेकेराइड बना देती है। जबकि जो ओलिगोसेकेराइड होता है, ओलिगोसेकेराइड के अंदर क्या था, 2 से लेके 10 तक की जो भी चेन बनेगी वो क्या हो जाएगी, ओलिगोसेकेराइड में आ जाएगी। फिर जो डाइसेकेराइड था, डाइसेकेराइड में 2 मोनोसेकेराइड मिलकर क्या बना देगी, डाइसेकेराइड बना देगी। ऐसे ही जो पॉलीसेकेराइड होगा ना, पॉलीसेकेराइड के अंदर 10 से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड्स होगी तब क्या बनेगा, पॉलीसेकेराइड मिलेगा। 9 तक होगी तो वो क्या होगा, ओलिगोसेकेराइड के अंदर आ जाएगा। लेकिन जब 10 से ज्यादा चली जाएगी तो वो क्या आ जाएगा, आपके 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड मिलके क्या बना देंगे, आपका पॉलीसेकेराइड बना देंगे। दैट्स क्लियर, ओके। ये वाटर के अंदर क्या होता है, इनसोल्युबल होता है। पॉलीसेकेराइड क्या होता है, वाटर में इनसोल्युबल होता है। साथ में ये क्या होता है, शुगर के रूप में क्या रहता है, स्टोर रहता है। मतलब शर्करा होती है, शुगर होती है, उसके फॉर्म में क्या रहता है, ये स्टोर रहता है। जब बॉडी को शुगर की जरूरत रहती है ना, तो क्या होता है, जब बॉडी के अंदर मान लीजिए शुगर है, इसकी कमी हो गई, तो क्या होगा, पॉलीसेकेराइड का हाइड्रोलाइसिस होता है और ये शुगर प्रोवाइड करवा देता है। साथ में ये क्या होता है, पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, स्वीटलेस होते हैं, मतलब स्वादहीन होते हैं, इनमें किसी भी तरह का स्वाद नहीं होता है। फॉर एग्जांपल की बात करें, स्टार्च आ गया, सेल्युलोज आ गया, ग्लाइकोजन आ गया, काइटिन आ गया, ये सबके सब क्या है, आपके पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। अब अपन फंक्शंस की बात कर लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के क्या फंक्शन रहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट मेनली क्या रहता है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। मतलब ये अपने शरीर को क्या है, एक एनर्जी का सोर्स, अपने शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। साथ में ये स्टोरेज मॉलिक्यूल का भी काम करता है। अब देखिए, प्लांट्स के अंदर तो स्टार्च के रूप में मतलब क्या रहता है, ये स्टोर रहता है, और एनिमल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या रहता है, ये मॉलिक्यूल स्टोर रहता है कार्बोहाइड्रेट। साथ में ये इनिशियल रहता है किसके लिए, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स। फैट्स के जो बीटा ऑक्सीडेशन है उसके लिए इनिशियल रहता है। साथ में नेसेसरी रहता है प्रॉपर फंक्शन करने के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन करे, इसके लिए भी क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत रहती है। तो ये बात कर ली अपन ने कार्बोहाइड्रेट की। मेनली कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आपने कुछ बुक्स के अंदर देखा होगा, 4 टाइप्स आपको बताएंगे। कौन कौन से बता देंगे, मोनोसेकेराइड बता देंगे, डाइसेकेराइड बता देंगे, ओलिगोसेकेराइड बता देंगे और पॉलीसेकेराइड बता देंगे। लेकिन याद रखिएगा, क्लासिफिकेशन की में जब अपन बात करते हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं 3 ही टाइप के आते हैं, क्योंकि जो डाइसेकेराइड होता है ना, ये डाइसेकेराइड किसका टाइप आ जाता है, आपके ओलिगोसेकेराइड का ही टाइप आ जाता है। तो मोनोसेकेराइड आपको पता चल गया कि मोनोसेकेराइड में एक शर्करा होगी, मतलब शुगर की क्या होगी, एक श्रृंखला होगी, एक चेन होगी। जबकि ओलिगोसेकेराइड क्या होगी, 2 से लेकर 10 तक की जो चेन होगी वो ओलिगोसेकेराइड में आ जाएगी। डाइसेकेराइड में 2 मोनोसेकेराइड मिलकर बनेंगे, और जो पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड के अंदर कम से कम 10 मोनोसेकेराइड होने चाहिए। ठीक ऐसे ही ओलिगोसेकेराइड के अंदर 2 से लेकर 9 तक के क्या हो सकते हैं, मोनोसेकेराइड हो सकते हैं। तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ में इसके जो नोट्स है ना, कंप्लीट नोट्स हैं, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम से उनको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में अपन फिर मिलेंगे। थैंक यू।